हेलो माय फ्रेंड, मैं मालक्ष्मी अखोबर से वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब बताइएगा जरूर। चलिए मैं आज दुल्हन तैयार करूंगी इनको, देखिए, और पूरा मेकअप करूंगी। बट मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या यूज करना है सबको। साथ में आप लोग वीडियो में बने रहें, शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो मेरा जाने में कोई परेशानी कठिनाई हो। चलिए अब हम लोग मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले सीटीएम करेंगे, सीटीएम पहले शुरू करेंगे क्लीजिंग से। क्लीजिंग मैंने लगा रही हूँ, देखिए मैं क्लीजिंग कर दी। क्लीजिंग के बाद टोनर करते हैं। सब हर प्रोडक्ट है जो भी है वो 2-4 मिनट छोड़ कर ही आप दो नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करिएगा। देखिए मेरा टोनर हो गया है, बट मैं अब मॉइस्चराइजर करूँगी। ये लगाएंगे मॉइस्चराइजर, देखिए कैसे लगा रहे हैं। लगाने का भी तरीका सही होना चाहिए, तभी आपका मेकअप सेट करेगा। जो भी प्रोडक्ट लगाइए आप 2-4 मिनट उसको टाइम दीजिए, ताकि वो अपने अपना कवरेज सही तरीक़े से कर ले स्किन पे, ताकि कोई भी आप क्रीम लगाइए तो सेट करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए मैंने सीटीएम ही की हूँ, बट कितना शाइनिंग आया है इनके फेस पर, ग्लो आया है सीटीएम पे। चलिए मैंने प्राइमर लगाऊंगी, मेरा प्राइमर कलर बार का है। आप लोग का जो कंपनी का प्राइमर अच्छा लगे, कंफर्टेबल अपना हो, वो कंपनी का आप लोग यूज करिएगा। मुझे ये अच्छा लगता है, ये प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। लगा रही हूँ प्राइमर, लगा दी। देखिए उसको सही से मिलाना है, क्योंकि प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइमर। प्राइमर सही से लगाइएगा, आपका मेकअप बहुत अच्छा कवरेज करेगा। देखिए मेकअप के पहले अब प्राइमर हो गया है। अब हमने लगा रहे हैं कंसीलर। देखिए कैसे लगा रहे हैं कंसीलर, इसलिए आई के ऊपर लगा रहे हैं कि अब सबसे पहले आई मेकअप करेंगे, इसलिए आई के ऊपर कंसीलर दे रहे हैं। आई मेकअप के बाद में और सारी मेकअप होगी फेस का, पहले आई का कर रहे हैं। कंसीलर लगा रहे हैं स्विच, इसमें कंसीलर लगाने के बाद उसको सही से ब्यूटी ब्लेंडर से सेप कर दिए। उसके बाद में आईब्रो पर पेंसिल डाले हैं, आई का आईब्रो का सही से बनाए हैं। उसके बाद में आई के बनाने के बाद आई शैडो हमने लगा रहे हैं। देखिए कैसे हम आई शैडो लगा रहे हैं, क्लाइंट के क्रीम कलर का आई शैडो हमने लगा रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब उसके बाद में क्लाइंट के हिसाब से हमने फिर पिंक कलर के लगाए हैं। देखिए कैसे लगा रहे हैं, ये सब सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इसे को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा डार्क पिंक आई के बीच में शेप देंगे, देखिए, ताकि आई अच्छा से शेप बैठे, उसका मेकअप अच्छा से हो, उसके हिसाब से आपको शेप देना है। देखिए कैसे शेप हम दे रहे हैं, कलर के हिसाब से मिक्सिंग करना है। देखिए दोनों एकदम सेम हुआ है। इसको बीचे बीच गोल्ड ग्लिटर यूज करेंगे। देखिए आई का लुक बढ़ाने के लिए मैंने गोल्ड ग्लिटर यूज कर रहे हैं। उसको सिर्फ उंगली से ही दीजिएगा अपने फिंगर से, ताकि सही से बैठेगा। ब्रश से कैसा कलर मिल जाता है, इसलिए फिंगर से देना ज़रूरी है। देखिए आईलाइनर भी मैंने फिक्स कर दी, कैसा लुक आया देखिए आप लोग लाइनर का। बट अब मैंने आईलेस लगाऊंगी। आईलेस के पहले दोनों साइड से हल्के हल्के आप शेप दे दीजिएगा, उसके बाद में आप लगाइए कि आईलेस ग्लू लगा दिया मैंने। अब उस पर मैं शेप दूंगी। देखिए शेप कितना अच्छा बैठा, आप लोग देखिए मेरा आई का लुक कैसा है कैसा नहीं, आप लोग देखकर प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब फेस पे चारों तरफ मैंने कंसीलर लगा दी, बट अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको शेप दूंगी, सेट कर दूंगी। देखिए कैसे सेट कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर का थोड़ा सा आप गीला करके ही सेट करिएगा, ताकि सही से स्किन कवरेज कर ले। ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करने से स्किन कवरेज कर लेता है। उसके बाद में देखिए मैंने क्या लगाया, हाईलाइट लगाकर
उसके बाद में फाउंडेशन लगाइए। फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है इसलिए फाउंडेशन मैंने यूज कर रही हूँ, आप लोग को भी पसंद आए तो ये यूज करिएगा, बहुत अच्छा ये फाउंडेशन है। मैंने सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप लोग को वहाँ से हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। देखिए फाउंडेशन लगाने के बाद में लुक कितना मस्त आया है, देखिए। अब मैंने काजल लगा रही हूँ, काजल अभी नहीं लगाए थे इसलिए काजल लगा रहे हैं, पहले मैंने नहीं लगाया थी इसलिए चलिए मैं काजल लगा रही हूँ क्योंकि पहले काजल मैं नहीं लगाई थी इसलिए। देखिए आई का लुक कैसा आया है, आई का लुक फाइनल है, आप लोग बताइएगा कि कैसा हुआ है मेरा आई का लुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैंने अब आई में मस्करा दूंगी, मस्करा लगाऊंगी। मस्करा लगाने के बाद मैं कंट्रोल देते हैं, सब मेकअप हो गया है, लास्ट में कंट्रोल देना है। देखिए मैं कंट्रोल दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ कंट्रोल, कंट्रोल क्यों दिया जाता है ये भी मैं वीडियो मैंने डाली हूँ यूट्यूब पर, देखिएगा कि क्यों दिया जाता है कंट्रोल। अभी टाइम बहुत कम है इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी, इसके लिए सॉरी। चलिए अब मैंने अब नेक्स्ट आया जेवर का काम, चलिए मैं जेवर पहना रही हूँ। देखिए जेवर लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, इसको भी लगाना बहुत मुश्किल है, संभालना बहुत मुश्किल है। जेवर से शुरुआत करूँगी, हेयर स्टाइल बनाती हूँ। ये दुल्हन बहुत मस्त आएंगी, इनका लुक, कान का झुमका पहना रही हूँ। देखिए अब पहनाऊँगी चूड़ा, चूड़ा इनका कैसा है आप लोग बताइएगा। देखिए चूड़ा बहुत अच्छा है, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, बट आप लोगों को पता नहीं, बताइएगा जरूर कि कैसा लगा चूड़ा। पहना रही हूँ, देखिए इनको थोड़ा परेशानी हो रही है पहनने में इसलिए खुद से पहन रही है। मेकअप करना है तो बस मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग प्लीज। चूड़ा पहन ली, चूड़ा सही हो गया है इनको, देखिए बहुत खुश है। ये मेकअप मेरा, लास्ट में लिपस्टिक लगा रही हूँ। देखिए लिपस्टिक लग रहा है इनका, लिपस्टिक भी रेड कलर का लगा है। अब आगे का हेयर स्टाइल बन रहा है, कर्ल कर रहे हैं, देखिए कर्ल कैसा आ रहा है इन लोग इनका। मेरा कर्ल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 24 घंटा एवभव जाता है, आप लोग देखिएगा कैसे करते हैं, कोई खास नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बट ऐसा ही करती हूँ, बट 24 घंटा जाती है। दुल्हन रेडी है, प्लीज आप लोग बताइएगा कि मैं मेकअप कैसे की, दुल्हन कैसे तैयार हुआ। ओके।